तो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज के दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू ऑल। जो लोग मेरी डेली वीडियोस देखते हैं, जो भी डेली ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्यों ना कोई एक अच्छा स्टॉक पिक किया जाए, जिनसे कि कुछ वो अच्छा सीख सकें और साथ साथ कुछ एक नया अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो फटाफट चलते हैं स्किनर वेबसाइट पर और जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। तो अगर आज एनसीसी लिमिटेड की बात करें, तो एनसीसी लिमिटेड जो बेसिकली कंपनी है एनसीसी, इसका काम क्या है? तो बेसिकली बिल्डिंग, रोड, वाटर सप्लाईज, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक ऐसी सेक्टर की कंपनी है जो कि हमारे इंडिया में एक डेवलपिंग सेक्टर माना जाता है। यानी कि अगर आप बात करेंगे रोड की, आप बात करेंगे वाटर सप्लाईज की, आप बात करेंगे बिल्डिंग्स की, तो ये हमारे इंडिया के अंदर एक डेवलपिंग सेक्टर है, यानी कि ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम पे ये और ग्रो करेगा और इसकी बहुत बड़ी मार्केट अपने आप में इंडिविजुअली बनी जाती है। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 5300 करोड़ की कंपनी नज़र आती है, जिसमें स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 85 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसकी बुक वैल्यू जो 92 रुपीज़ पर निकल के आती है। तो और आज के दिन इसने ऑलमोस्ट 5% का एक हाई भी बनाया है, ठीक है। तो इसका जो करंट प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें उसके बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। बात करते हैं स्टॉक के पी की, स्टॉक का पी से हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप स्टॉक को बाय करें या सेल करें, दिस एक इंडिकेटर है, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको देख के ही स्टॉक को पिक किया जाता है, जिसमें से एक इंडिकेटर पी भी है, स्टॉक का पी। यहाँ स्टॉक का पी इसको एक इंडिकेशन देता है दैट कि ये कंपनी जो एक अंडर वैल्यू रेंज में देखने को मिलती है, बट अंडर वैल्यू का मतलब नहीं है कि इसको बाय ही कर लिया जाए, ठीक है। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो 2% का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी हर साल डिविडेंड नहीं देती है, जिस साल उसको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा शायद उसने तभी के टाइम पर दिया होगा। ये हम वीडियो के और आगे चल के भी देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आ गया 2011 पे, अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स थी ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की, ठीक है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तक कंपनी प्रॉफिट बनाती थी 200 करोड़ के आसपास का, ठीक है। ये जो सेल्स का जो ग्रोथ है कंपनी ने हमेशा ही चलाया बहुत ही अच्छी तरीके से। 2020 में कोविड के टाइम पे 12000 करोड़ की जो सेल्स थी वो हो गई पूरी की पूरी 8000 करोड़ के आसपास। 2021 में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला 7900 करोड़ का, बट लेकिन 2022 में कंपनी ने एक रिवाइव किया और कंपनी ने, अगर हम बात करें पिछले 12 महीने में, यहाँ पे सेल्स जो दिखाई है वो 13000 करोड़ प्लस, यानी कि ऑल टाइम हाई सेल्स दिखाई है। यानी कि ये फिगर कहीं ना कहीं 2020 में आ जाता, पर लेकिन आपको ही पता है कि कोविड के टाइम पे हर कंपनी यानी हर सेक्टर को अपने आप में 2-2 साल कम से कम पीछे जाना पड़ा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है 593, यानी कि 590 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बात करते हैं नेट प्रॉफिट इतना अच्छा निकल के जब आता है तो कंपनी एक ऑल टाइम हाई की नेट प्रॉफिट देती है, तो स्टॉक का प्राइस भी है एक अच्छी पोटेंशियल नज़र दिखाता है। यहाँ बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड पे आउट की, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ कंपनी ने 2014 में ऑलमोस्ट 156% का डिविडेंड दिया था, बट लेकिन 2020 में डिविडेंड इतना अच्छा नहीं दिया, जबकि कोविड का टाइम था, आप समझ रहे हैं, कोविड के टाइम पे बहुत कम कंपनीज डिविडेंड दे पा रही थी क्योंकि सेल्स ही नहीं थी, ग्रोथ ही नहीं थी, तो पैसा कैसे देती अपने इन्वेस्टर्स को। बट लेकिन इस कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिविडेंड दिया, यानी कि कंपनी एक आप कह सकते हो एक वैल्यूएबल कंपनी है देखने को मिलती है, क्योंकि जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बुरे वक्त में भी अपना साथ पकड़ के चलती है, तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो 5900 करोड़ यानी सॉरी 5600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग की बात करेंगे तो कंपनी में सिर्फ 2000 करोड़ का यहाँ पे सितंबर क्वार्टर 2022 के में देखने को मिल जाती है बोरोइंग। बोरोइंग मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू उसके रिजर्व की। कंपनी के पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 5500 करोड़ रुपये पैसा पड़ा हुआ है, बस कर्जा है तो सिर्फ 2000 करोड़ का जो कंपनी कभी भी पूछ दिख रहे हैं। ये जो फिक्स एसेट्स है सितंबर क्वार्टर के 2022 के, ये है 1400 करोड़ के आसपास के। तो इसमें जो फिक्स एसेट्स हैं पिछले कई सालों से जो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे यहाँ पे 2011 के हैं 1800 करोड़, यहाँ पे 2013 के हैं 2800 के आसपास, ये फिक्स एसेट्स यहाँ पे 2028 तक काफी अच्छे थे, बट धीरे धीरे यहाँ पे फिक्स एसेट्स जो है वो गिरते जा रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स बेसिकली कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जिसको पॉजिटिव पॉइंट से ही आगे चल के कंपनी सर्वाइव कर सकती है, यानी कि फिक्स एसेट्स बचाने चाहिए ना कि सेल करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने भी चाहिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ये एक
इसके बाद अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो पिछले बीच में 2015 से लेकर 2018 तक के आसपास इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी थी, बट लेकिन तब से इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जो भी प्राइस था वो कम होता जा रहा है। सितंबर 2022 में 335 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट बची है। बात करते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सितंबर 2022 में है और मार्च के हिसाब से देखेंगे तो 19.68% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। जून में वो बढ़ा के 2% से बढ़ा दी गई जो कि 21% हो गई, फिर उसको 1% से और बढ़ाया जो कि 21.9 यानी कि ऑलमोस्ट 22% के आसपास हो गई। इसी तरीके से जो FIC होल्डिंग्स थी यानी जो FIIs ने पैसा लगाया था उसका भी यहाँ पे अच्छी तरह से बढ़ा है। जो डोमेस्टिक्स यानी कि इंडिया के इन्वेस्टर्स थे उनका जो पैसा लगा था वो भी यहाँ पे बढ़ता हो गया, बट लेकिन यहाँ पे जो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे कम किया है। यानी कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय कर रहे थे बट लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सेल किया, जिस वजह से यहाँ पे जो जो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी वो बड़े लोगों को ज़्यादा मिली एज कम्पेयर टू छोटे लोगों को यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स को। यह ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट, तो ये ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट पर अगर हम बचाऊँ यह NCC का चार्ट, तो इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यहाँ से लो सेलेक्ट करूँ यहाँ ये लो बनता है आगे यहाँ पे 16.80 रुपये के आसपास कर लो। इसमें जो हमारे पैटर्न देखने को मिल जाता है वो है पैटर्न यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके लिए हम ट्रेडिंग लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है यह हेड सॉरी यह है शोल्डर, यह एक हेड और यह एक शोल्डर, फिर एक और शोल्डर। तो अगले ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो कैसे ड्रॉ होता है। तो ये आप देख पाएंगे ये बना, ये बना, ये बना और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया शोल्डर, ये हेड, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर, ठीक है। इसको मैं रिवर्ट करता हूँ पहले तो और ट्रेंड लाइन को लेता हूँ फिर से, जिससे कि आपको फिर से अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो अब मैंने मंथली कैंडल्स ली है, आप मंथली सेलेक्ट करा, अगर आप वीकली सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको एक ब्रेकआउट या फॉर्मेट में दिख पाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख पा रहा है, तो यहाँ पे ये दो दिन से यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम बनती जा रही है। आज का जो दिन है आज है 13, तो ये कल का कैंडल है जिसमें अच्छी बाइंग बनी थी, अच्छी वॉल्यूम बनी थी। यहाँ पे जो वॉल्यूम है धीरे धीरे करके जो पहले कम होती जा रही थी लेवल पे थी, अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ टाइम बाद यानी कि 2-3 हफ्तों बाद ये वॉल्यूम्स जो है बहुत अच्छे से हमें बढ़ती जाएंगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइस रेंज को लेता हूँ और इसके लो यानी कि जो 16 रुपये का लो था उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेट कर पाएंगे एक एवरेज पे, इन दो इस दो के बीच के एवरेज को यहाँ पे, और इस एवरेज को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो हमारे जो टारगेट है वो 84% के गेन मिल सकता है, पर वो इस प्राइस पर हमारा जो प्राइस है वो उससे ऑलरेडी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे मिलता है 205 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे हम जाएं यहाँ पे जो गेन देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट मिल जाता है 130% का गेन, जो कि यहाँ पे जो 87 के आसपास जो करंट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 87 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और 205 रुपये पे यहाँ पे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये टारगेट एक शॉर्ट टर्म नहीं होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट होंगे, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी मल्टी बैगर कंपनी नहीं है, मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगी, बट लेकिन एक स्मॉल रेंज की कंपनी है जो कि धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी इन्वेस्टमेंट अच्छे ही तरीके से ऊपर ग्रो करेगा। तो यही